समुद्र में ध्रुव के इस पार से उस पार निकलेगा तब भी पाप मार पार होने के लिए नबी का तरीका अपनाना जरूरी बेशक बेशक तीन फराइज कितने तीन अगर इन तीनों में बाल के बराबर भी कमी रह गई तो आप तब साबुन लगाइए लक्स लगाइए चाहे घटिया से घटिया नाइफ बॉय लगाइए आप पाक नहीं हो सकते। अब बगैर साबुन के बगैर शैम्पू के आप नहाइए सिर्फ फराइज अदा करने लगे आप पाक हो तीन फराइज कितने तीन जानते हैं कि सबको याद है पर फिर भी हम पूछ रहे हैं कि बोलने में लग रहा है कि पसीना छूट रहा है कितने हैं तीन नंबर एक कुल्ली करना नंबर दो नाक नाक पानी डालना ये फर्ज है फर्ज मीन समझ रहे हैं कंपल्सरी है जरूरी है और नंबर तीन सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक पानी बहाना पोंछना नहीं है बहाना ये फर्ज है इसमें अगर बाल के बराबर भी कहीं कमी रह गई तो अपना बाकी रखेंगे कुल्ली कहते हैं किसको आपसे पूछा जाए तो आप तो फौरन कह दीजिए आए हो तकलीफ करने के लिए आप कुल्ली की भी तारीफ कर जाते हो पानी लोग मुंह भर के पानी मार के जरिए पूरे मुंह में पानी पानी मारे कोने कोने में पहुंचाए ओके दांत दांत खिड़की में जाए पानी तशफी हो जाए कि मुंह का कोना कोना पानी से पानी वहां पहुंच गया समझिए कि फर्ज अदा होता नाक में पानी डालना कितने लोग कैसे डाल सकते मैं नहीं देखता हूँ लोग नहा सड़क से ऐसे नहाते नहीं मालूम है कुछ लोग तो नाक में पानी डालते ही नहीं है और डालते भी हैं तो पानी वहां कहाँ जाता है रास्ते से वहां से सोता है पानी लिया हाथ सटाया पानी पिया हाथ सटा लिया अंगूठा घुसा दिया सही तरीका है कि सांस के जरिए पानी को टालना ऊपर पर सांस जमीन के तलाब स्कूल में टालिएगा पानी दिमाग तो जाएगा और मुझको तलाश करना चाहिए धीरे धीरे सांस के जरिए पानी पानी पर ले जाइए कहाँ तक नर्म हड्डियां तक नाक में हड्डियां वहां तक उसके बाद बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली नाक में अचड़ा कचड़ा जो भी है उसको साफ साफ अगर वो कचड़ा रह गया और नाक में पानी डालते रह गया नीचे पानी नहीं गया फर्ज अदा करना ओके अब पानी बहाने का मतलब पानी डालने हाथ उठा के भाई तो मसला आप लोग को मालूम है अमल कब कीजिएगा ये मसला आपको मालूम है अमल करिए इसलिए नहाने के वक्त में ध्यान को हाजिर रखिए ताकि आप मस्जिद में जाने के लायक हो जाए आप पाक हैं आप नमाज भी पढ़ने के काबिल हैं ये मसला मालूम है तो इस पे अमल करना जरूरी है नहाने के वक्त गाना गाते गाते मत नहाओ अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जलसा कबूल हो जाए आपकी हाजिरी कबूल हो साइज़ खाना की मेहनत कबूल हो इसके लिए करना क्या क्या इसके लिए ठीक है माइक वो सब ठीक है सब ठीक है जो जो सुन रहे हैं ये भी ठीक है कबूलियत की मुहर कैसे रहते जब सब कबूल मेहनत वसूल ऊपर उसके लिए एक रास्ता
गुरु शरीफ है। जितने लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर वो लोग हैं जिनको आज तक शायद तुम्हें कुर्सी याद नहीं आ सकती। अजान नहीं याद है, अजान अजान नहीं याद, तकबीर नहीं याद। अरे इमाम साहब मुसल्ला पे चढ़ जाए, अब मुआसी में तस्लीम जा लग जाए और टाइम हो जाए तो इमाम साहब ने कहा हाँ तकबीर पुकारी है, पीछे वाले ऐसे जैसे ज्यादा वो बोलेगा नहीं उसको बोलेगा उसको याद ही नहीं तकबीर। ये मुसलमान टॉयलेट में जाने का ढंग नहीं मालूम, पहले कौन सा पांव रखेंगे, दुआ क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम, टॉयलेट से बाहर आएंगे तो पहले कौन सा पांव बाहर निकलेगा दुआ क्या पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे पहले कौन सा कदम रखेंगे नहीं मालूम, और दुआ क्या पढ़ेंगे ज्यादातर ऐसे लोग। मुसीबत तो ये है आज तक दुआएं मासूम याद नहीं आ सकती, दुआएं कुलूत याद नहीं आ सकती। चलिए छोड़िए छोड़िए बहुत सारी दुआएं आपको याद नहीं आ, लेकिन दुरूद शरीफ सबको याद है। क्यों मैंने बताया, इसलिए कि सब लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, कोई बंजवक्ता कोई वीकली जुमा की नमाज कोई ईयरली ईयर की नमाज कोई मुस्लिम कुछ भी नहीं पढ़ा तो बाप का जनाजा। मुंबई से जाएगा जनाजा रोकिए, जब तक मैं नहीं आऊंगा जनाजा नहीं उठाएगा। और बेटे का हाल ये है कि आता है तो बेटा को ये नहीं मालूम जनाजा में दूसरी तस्वीर के बाद क्या हो गया, तीसरी तस्वीर के बाद क्या हो गया नहीं मालूम। मैंने इसलिए कहा कि सबको दुरूद याद है नमाज पास, और कोई नमाज ऐसी नहीं जो दुरूद से खाली हो। इमाम के साथ पढ़े तो भी दुरूद पढ़िए, अलग नमाज पढ़ते हैं सुन्नत वाजिब ईदैन की नमाज रात की नमाज। जो नमाज नहीं है असल उर्फ में नमाज जनाजा कर रहे हैं वो भी दुरूद से खाली हो। इसका मतलब है कि दुरूद तो मुसलमान को याद आता, अगर याद नहीं है तो याद के बाद क्या करते हैं वो लोग, याद करते हैं याद नहीं तो जनाजा में बाप का जनाजा है बेटा को याद नहीं तो क्या करते नहीं याद है सब सब। अगर जिन को आज तक याद नहीं हुआ है मैं किसी से नहीं कहूंगा कि दो कतरा पानी पी के मर जाओ चाहे सिंचा हो अरे यार हटो ना क्या कर रहे हो, वो है समझे फैले जा रहे हो फैले जा रहे हो। मेरा हाल क्या मेरी हकीकत क्या था तो आज तक जरूर भी याद नहीं रख सकते, लेकिन मेरा अनुमान है कि सबको याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा, आवाज को पेट में घुसाना कैसा। हर आदमी आवाज को खोले विदाउट टेंशन हो करके नबी आखिर जमा फखरी रसूलुल्लाह नाज़िशे हर दो जहां सुभानअल्लाह सैयाहे ला मकान सुभानअल्लाह मुस्तफा जाए ला मकान सुभानअल्लाह रस्मे हिदायत सुभानअल्लाह। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है ये लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं आई एस का एग्जाम साथ आया हूँ ये एग्जाम खराब सब मेरा एग्जाम मेरा नंबर मैं अपने नबी की बात आ रहा हूँ ये लोग यहाँ है ही नहीं, मैं तो उस नबी की बात कर रहा हूँ जो नबी किसी रास्ते से गुजरते हैं तो पत्थर भी देंगे सलाम पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनपे नबी का सबसे ज्यादा एहसास अब वो आर क्योंकि नबी कहीं है ही नहीं, नबी की बात कर रहा हूँ जनाब तुम पे करोड़ों सुभान पे करोड़ों दुरूद सुभान सुभान गली सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहिएगा
बीमारियां बहुत हो गई आपको, क्या कीजिएगा, ओवर फ्लो न हो जाए। वाह मैं खुद सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, नारा भी लगाऊंगा जवाब भी दूंगा और पूरा सवाब भी दूंगा। और हश्र में जब मुलाकात हुई सरकार के वसीले से जन्नत का परवाना मुझे मिल गया, उसके बाद आपसे मुलाकात हुआ, अंग्रेजी में पूछूंगा अवर यू हश्र में पूछूंगा, तब पता चलेगा हजरत बहुत बुरा हाल है। मतलब कैसे लाख लोग कहते थे नमाज पढ़ो नहीं पढ़े, मौलाना लोग कहते थे कुरान पढ़ा नहीं पढ़े, मौलाना लोग कहते थे अच्छा काम पूरा नहीं किया, अमीनाद में जाते थे जलसा में लोग कहते थे सुभान अल्लाह वो भी नहीं पढ़ते। मतलब आज समझ में आया क्या खोया क्या पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको समाज चाहिए वरना अपना चुप बता खिला मेरे दिल की कली रोशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिटा कल्ब की बे कली रोशन। सुभान अल्लाह। आँख है ये सर सर, आँख है ये सर, ये दिल ये जीव है, ये आँख है ये सर है, जहाँ चाहो रखो कबर रोशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने बोल दिया अल्लाह तबारक व तआला की शान सुनाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह तआला ने पैदा बहुतों को किया, जितना इंसान पैदा हुआ सबको अल्लाह तआला ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया। पैदा होने के बाद माहौल मिला, सोसाइटी मिली, तरबियत मिली, कोई लंगड़ा हुआ कोई अंधा हुआ ऐसे हुआ कोई कैसे हुआ चौपट हुआ, ठीक है, जिस पे अल्लाह का एहसान था मुस्तफा का गुलाम हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको छांट लिया बात का, चलो हटो सिर्फ वही उसी को हुक्म दिया मुखातब हुआ, रब से वही डरे जो ईमान वाला। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई ईमान कहते हैं किसको, ईमान कहते हैं किसको, आपसे पूछ ले क्या कहिएगा, मौलाना गाजी साहब से पूछ लीजिए, वाले वाले फला मौलाना साहब से पूछ लीजिए, हम लोग का ये सब काम नहीं है बताना, मौलवी लोग का काम क्या नतीजा निकलेगा कुछ समझ में आया। अगर आपका घर बनाई है आपसे पूछे तुम्हारा घर कहाँ का है, बोल दीजिए उससे पूछ पूछो आपका बाप नसीब और आपके बाप का नाम आपसे पूछा जाए, बोलो भाई अपने बाप का नाम और आप कह दीजिए उससे पूछ पूछो लोग क्या कहते हैं पैदाइशी कमी का बहुत बड़ा पेड़ अभी बाप का नाम याद नहीं आता, जैसे बच्चा बाप का नाम ना बता है तो सुबह होता है, गांव का रहने वाला वाले गांव का नाम ना बता सके जलील होता है, उससे ज्यादा मुसलमान उस वक्त जलील होगा कि ईमान वालों से ईमान की तारीफ पूछे और वो ना बता सके। हम ईमान वाले हैं, हमें ईमान के बारे में नहीं मालूम तो बेईमानों को क्या मालूम, ईमान कहते हैं। अब ये उलमाए किराम है सब जानते हैं, इनसे पूछिएगा तो आदमी लोगों में इतने तरह के लोग हैं, कोई कहेगा नहीं उमली साहब ठीक है, उमली साहब खराब है, उमली साहब ऐसा है, छोड़िए उमली साहब अपने नबी से पूछे मैं अपने नबी से पूछ लू, नबी से अच्छा कोई नहीं बताया, नबी से अच्छा किसी का जवाब ने उनके जैसा बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ही अच्छे नहीं है, सारे नबी अच्छे हैं। सुभान अल्लाह बेशक सारे रसूल अच्छे हैं, जब ही तो मेरे आला हजरत ने फरमाया सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब नबी से पूछेंगे, नबी ने जो बताया है वो मुझे मालूम है लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह।
गरीब का मतलब समझ है, ये नहीं कि आप पैसा नहीं देता, नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गरीब नहीं है, नन स्टॉप मजमा मर गया, रास्ते में बिखर गया, ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्री में नहीं बताऊंगा। नबी से पूछ है, عن انس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب الي من والده وولده والناس اجمعين سبحان الله سبحان الله तो समाज उर्दू है, इसका कुछ माना समझे नहीं, अब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, तर्जमा होगा तब न समझिएगा, उर्दू में इसका मतलब क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बता दूंगा, मरिए तब जलसा भी आपको याद आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा भी याद आएंगे, नेकी की अहमियत आपको मरने के बाद समझ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनस रजी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, अपनी जान से, अपने माल से, सारे जहान से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका सीधा साधा तर्जमा हो गया, अब इसको डिटेल में मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो, बेशक मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहनों से मोहब्बत, पड़ोसियों से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन क्या कह रहे मेरे नबी के जैसा पैदा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे मोहब्बत करो, फायदा क्या होगा आप जानते हैं, आपको मोहल्ले में आगे तस्करा होगा, अगर आप बहन से मोहब्बत कीजिएगा लोग कहेंगे भाई हो तो ऐसा ऐसा, भाई से मोहब्बत कीजिएगा चर्चा होगा भाई हो तो ऐसा, माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा दुश्मन भी कहेगा बेटा हो तो ऐसा, बीवी से मोहब्बत कीजिएगा तो पड़ोस के लोग भी कह देंगे हस्बैंड नंबर वन तो ऐसा वगैरह वगैरह। हजरात बीवी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत कीजिएगा तो लोग कहेंगे भाई हो तो ऐसा, अच्छा भाई कहलाइएगा, अच्छा बेटा कहलाइएगा, अच्छा शौहर कहलाइएगा, अच्छा पड़ोसी कहलाइएगा, अगर माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा अच्छा बेटा कहलाइएगा, भाई बहन से मोहब्बत कीजिएगा अच्छा भाई कहलाइएगा। लेकिन याद रखिएगा नबी फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो लेकिन उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से भी मोहब्बत करो लेकिन उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। वजह यह है कि माँ बाप से मोहब्बत करोगे अच्छा बेटा बनोगे, भाई बहन से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई बनोगे, मुझसे मोहब्बत करोगे कामिल मुसलमान बनोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सीरत गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अब अगर ईमान की तारीफ कोई पूछे किसको कहते हैं, ये इबारत पे नहीं पढ़ पाइएगा, तर्जमा नहीं कर पाइएगा तो बीच में फंस जाइएगा, तो शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। कोई पूछे कभी पूछे ईमान किसको कहते हैं, सीना ठोक के कहिएगा ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खोल के बोलिए किसको कहते हैं, मोहब्बत मुस्तफा। न जाइए नहीं शर्माइए नहीं, मुंह खोल के किसको कहते हैं, मोहब्बत मुस्तफा। आप अपने घर में जाइएगा, जिनकी जिनकी बीवियां यहाँ हैं वो कल उससे पूछे मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं, उसको नहीं मालूम है आप बताइएगा, इसकी बीवियां गांव में है उनसे बात होगी, हेलो हाउ आर यू पूछिएगा ईमान किसको कहते हैं, नहीं बता पाएगी उसको समझा दीजिएगा, आप बच्चों को बताइए बेटों को बताइए, ताकि पता चल जाए मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, मुसलमान के बच्चों को ईमान की तारीफ कोई और नहीं बताएगा।
मुसलमान का बच्चा बच्चा जानेगा ईमान किसको कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफा को। किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफा को। अब दूसरा क्वेश्चन, मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? एक भी नहीं है जो सही जवाब। जितने बैठे हैं हम सब सखत दावा करते हैं, जबानी खर्च करते हैं, किसी एंगल से दलील नहीं दे सकते। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? दुनिया के जितने उशाक होंगे उनका जवाब अपनी जगह इन उलमाए किराम से पूछिए तो सब कहेंगे न इधर जाओ न उधर जाओ, मक्का चले जाओ मदीना चले जाओ। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत अबू बकर से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत उमर से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत हैदर करार से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत खुबैब से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत हमजा से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? हजरत सुमैया से पूछो। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? खाजा वैसे करनी से पूछो। दुनिया वाले दावा करेंगे नबी क्या साहब दलील देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहब्बत करना रसूलुल्लाह से आसान काम नहीं है, उसके लिए जिगर चाहिए, बेशक बेशक चाहिए, वो हौसला चाहिए कि नौजवान बिल्कुल नई नवेली दूल्हा घर में मौजूद है और नबी ने बुला लिया है तो बीवी को कह दिया तुझे तेरा घर मुबारक हो, मुझे रसूलुल्लाह की दावत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग सिर्फ दावा करते हैं, दलील कुछ नहीं चुके। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। किससे डरो? अल्लाह से। और हम लोग डरते किससे हैं? अभी फटाट फटे कुत्ता से बिल्ली से चूहा से छिपचिली से हम लोग डरते हैं। हम और आप ऐसे हैं जो चूहा बिल्ली छिपकली से डरते हैं। अब मेरा खाजा वो है जो किसी से न डरे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। तुम में बिहारी वो है जो किसी से न डरे, बेशक। तुम में समलानी वो है जो किसी से न डरे, बेशक। मेरे पास आजम वो है जो किसी से न डरे, बेशक। अरे ये तो नफूस से कुदसिया है, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह से कैसे डरा जाता है? ज्यादा टिप में ना जाओ, आज ही के डेट में तुम फिलिस्तीन चले जाओ। छोटे छोटे बच्चों का तेवर बता रहा है। हम न बम से डरते हैं न बारूद से डरते हैं, हम अपने माबूद से डरते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत उलमाए अहले सुन्नत अल्लाह से डरो। किससे डरो? देखिए टाइम हो गया है, गालिबन मेरी घड़ी में 10 20 30 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और खत्म कर दूं? नहीं भाई खत्म कर दूं? नहीं नहीं। इस मोहब्बत को सलामत आमीन। अल्लाह से डरने का बेनिफिट क्या क्या? अल्लाह से डरने का फायदा क्या क्या? अल्लाह से जब कोई बंदा डरता है तो उसको मिलता क्या है? बता दो, बताइए, बता दो फ्री में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे उलमा भाई चाहते हैं, तभी तो कहते हैं नमाज पढ़ो, तभी तो कहते हैं चेहरे की दाढ़ी सजाओ, तभी तो काम न करो, तो भलाई चाहते। सब सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का फायदा क्या है? फायदा फायदे ही फायदे। नंबर एक, जो अल्लाह से डरेगा वो शराब नहीं पिएगा, जो अल्लाह से डरेगा
हराम न कमाएगा न हराम खाएगा तो अल्लाह से डरेगा, किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालेगा तो अल्लाह से डरेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा तो अल्लाह से डरेगा, वो फिस्क न करेगा तो अल्लाह से डरेगा, ना छोटा गुनाह करेगा ना बड़ा गुनाह करेगा, वो एक ही काम करेगा जिस काम के लिए आला हजरत रसूल फरका वो जब दीदे दिलो मिला इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर आला हजरत ने कहा कहा वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो ना मेरा साथ तुम भी करो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबू रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मत किया हां सुना होगा जो मुफ्ती साहब का फतवा है जवाब का वो अपने जिम्मेदार है, हम तो बरेली वाले हम तो आला हजरत के मसलक के मानने वाले मेरे आला हजरत आला हजरत की तहकीक है, फोटो मिला उधर शरीफ खींचना खिंचवाना हराम था हराम है हराम बेशक बच्चा खींचा बच्चा खींचा गुनाह सुना अब कोई फायदा इससे थोड़े मिल पाए बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का पावर क्या होता है, एक बात याद आ गई अगर कहिए तो मैं सुना सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा जब आए भैया मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं है कुछ नहीं है फकीराना लिबास सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंडिया की असली गवाह है, अच्छे अच्छे को पसीना आने लगा मेरे खाजा के पावर को देख के, जो उस वक्त के जमींदार थे बादशाह थे कांपने लगे डरने लगे, सिर्फ एक जलवा मेरे खाजा का देखा, ऊंटनी को क्या लिया तेरी ऊंटनी बैठती है तो बैठी रहे, पसीना आने लगा दिन में तारे नजर आने लगे, अब मेरे खाजा से बादशाह है तो डर रहा है, वजीर है तो डर रहा है, अमीर है तो डर रहा है, जमींदार है तो डर रहा है, आखिर सोचा क्या है, मेरे खाजा से सबको डर हो रहा है, मेरे खाजा अजनबी है मुल्क अजनबी है लोग अजनबी है, न चेहरे पे शिकन है न खौफ है न हरास है, वजह क्या है तो बारगाहे करीम नवाज से जवाब आएगा, अरे जो रब से डरता है सब उससे डरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से किससे डरो, अल्लाह से, जब अल्लाह का डर होगा मोबाइल में और सिनेमा मत देखिए, अल्लाह का डर हो तो किसी की बहन बेटी को गलत नजर मत डालिए, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम मोटू पतलू मत, अल्लाह से डर गई इंशाल्लाह, और थोड़ा जोर से बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह का डर इतना पावरफुल है, इसमें कितनी बरकत है, मैं अपने टॉपिक में आ रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, जिन्होंने इस जलसे को सजाया है बहुत अकलमंद है बहुत अकलमंद है, नियत है अपने रिश्तेदार के लिए मिसाल सवाल, अब उसी में उन्होंने कहा ऐसे भी सवाल मिलेगा अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, आज ऐसा करते हैं वैसे पाक का जिक्र हो कभी फैजान मिल जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी दामन भर जाए सुभान अल्लाह। बरकत क्या है खौफ इलाही, मैं फ्री में नहीं बता सकता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाहे इसके लिए आप लोग खुश रहिए चाहे नाराज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के खौफ की बरकत है, मैं निष्ठाओं से चिल्ला के बोलता हूँ लेकिन अभी आप लोग सुन रहे हैं एक एक बात आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं इसी तरह बता रहा हूँ, अल्लाह का खौफ आपने सुना होगा हम फिर रिपीट कर रहे हैं हर साल सुनाना चाहिए, सुनवाई के बाद सुनाते हैं, वो एक मर्द कलंदर दरिया के किनारे कर रहे थे यीशु मसीह भूख का तलवा,
आ रहा था पानी के बहता हुआ से उठाया खाली खाली, अब एहसास होता हुआ खा तो लिया, इसका मालिक कौन है? अगर खा लिया हजम हो गया हश्र है तो इसका भी सवाल होगा, तो मैं जवाब क्या दूंगा अल्लाह को, मैं क्या जवाब दूंगा? ये अल्लाह से डरने वालों का तरीका, हम लोग के जैसा था सिर्फ पूरी बिल्डिंग हजम कर जाएगा, बिल्डिंग भी हजम कर जाएगा और सीधे क्या देगा भैया होगा देखा जाएगा। ये दुनियादारों की जबान है कि जो होगा देखा जाएगा, वो अल्लाह वालों का तरीका है कि यहाँ का जितना मामला है यही खत्म हो जाए, वहाँ की रुसवाई का सामना ना हो, वहाँ की जिल्लत का सामना ना हो, अल्लाह यहाँ भी इज्जत दे वहाँ भी इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह पूछेगा से क्या जवाब देंगे, चलो अब इसका हल निकाला जाए। आया कहा उधर से, आया जिधर से बह के आ रहा था उधर चले जाए, नजर पड़ गई कई मील की मसाफत तय करने के बाद देखा कि दरिया है सेब का बागीचा है, कुछ टहनियां हैं जो सत्य आपसे मस्त कर रही है, समझ गए यही से उसका और बह के आ रहा था मंजिल पे आ गया। अब गए बाग के दरवाजे के पास, देखा बंद दस्तक दिया कान एक मुसाफिर, बाग का मालिक कौन है? बाग क्या है? तो कुछ उनसे बात करना, फला साहब सामना हो गया, कहा हुजूर आप ही बाग के मालिक है, आप कौन, आपको मतलब क्या है? तो कहा कि आपके बाग का एक शीर्ष मालिक को बह के जा रहा था, मैं निकाल दिया, मतलब मैंने इजाजत नहीं दिया ना, हालांकि फतवा दे तकवा, मैं आपसे माजरा तलब कर रहा हूँ, आप मुझे माफ कर। वाह वाह क्या बात, एक से एक से चोर चोर को पहचान चाहता है, मौलवी मौलवी को पहचान चाहता, चंदा खोर रमजान में चंदा खोर को पहचाना, छुट्टी रसीद लेके घूमने वाला ठीक उसी को पहचाना चाहिए, माइक वाला माइक वाले को पहचाना चाहिए, इसकी सेटिंग अच्छी है शायद शायद को पहचाना चाहिए, वली वली को पहचान चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वली वली को पहचानता है, जिनसे माजरत तलब कर रहे थे वो भी अल्लाह वाले समझ गए, एक शेष के लिए जो आया है मुसाफिर ये मामूली नहीं है, ये भी खुदा वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी जल्दी थोड़े को माफ करूंगा, खौफे इलाही की बरकत में दिखाना चाहता, कहा ठीक है माफ करूंगा शर्त है, तो मुख्तलिफ रिवायत है, एक रिवायत यह है कि 12 साल मेरे बाग में पानी डाली है, 12 साल एक शेर खाए तो 12 साल हम लोग के जैसा आदमी था, बोला माफ कीजिएगा पैसा जितना लीजिए मुंह पे मार मार 12 साल गुलामी नहीं करूंगा, लेकिन वो थे अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ना मामला यहाँ का है यही खत्म करवाऊंगा, 12 साल रहे तो मैं तुम्हें 12 साल पानी मुद्दत पूरी हो गई, कहा हजरत अब तो माफ कीजिए, बोला हाँ अब माफ करने का वक्त आ गया, लेकिन बट 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 ब्यूटी बट 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 माने लेकिन इंग्लिश जानता है इसलिए इंग्लिश बोल रहा हूँ, मतलब का मेरी एक बेटी है उससे तुझे निकाह करना है, लेकिन यहाँ भी लेकिन है, इसलिए इसको बयान कर रहा हूँ कि जितने बच्चे अभी कमा रहे हैं वो उसके नाम हैं, फेसबुक में ढूंढते हो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट में रहते हो और उसके बाद लेकर भाग जाते हो, उसके बाद जब बीवी उम्मीद से होती है तो गूगल पे बच्चा का नाम ढूंढते हो, शर्मा जो लड़का जो लड़की माँ बाप को नाराज करके शादी करता है या करती है वो सुन ले, जिंदगी भर खुशी का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, बेशक बेशक, क्योंकि माँ बाप को रुलाया है, अरे कभी तू सो
सोच रहे तेरे माँ बाप ने इसलिए तेरी परवरिश नहीं किया कि जब तू इस उम्र को पहुंचे तो माँ बाप के नाक को कटवा दे, माँ बाप को समाज में मुद्दे कहने के काबिल न रहे। अरे नादा, तूने माँ को रोलाया, तूने बाप को रोलाया, रसूलुल्लाह भी तुझसे नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। भलाई इसमें है कि माहौल जैसा भी रहे, सोसाइटी जैसी भी रहे, तुम नबी के गुलाम हो। इतना कह दो अम्मा अब्बा से, जिसमें आप राजी रहेंगे मैं भी उसी में राजी रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मुंह नहीं देखेगा, लड़की को देखेगा, गोरी है कि नहीं, रंग साफ है कि नहीं, मोट मोटा है नहीं करूंगा, आप टेढ़ी है नहीं करूंगा, नाक मोटी है नहीं करूंगा, अपना मुंह देखा नहीं। देखिए कैसी शादी हो रही है, बेशक बेशक, धीरे 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 धीरे। सुभान अल्लाह। एक बेटी है तुम निकाह करो माफ करूंगा, लेकिन सुन लो बेटी है क्या का बताइए, आग की नाबीना है, हाथ लूली है, पांव लंगड़ी है, सवाल होंगी है, निकाह करोगे माफ करूंगा, नहीं करोगे तेरी बेटी। कैसा इम्तिहान, कैसी आजमाइश है, बड़े बड़े होते पिछड़ जाते, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, हर काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक जुमला और कह दूं, लेकिन फ्री में नहीं कहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सर मुसलमान हमारे जैसा आपके जैसा निकाह करता है अपनी नफ्स की लज्जत के लिए, और अल्लाह वाले निकाह करते हैं नबी की सुन्नत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोले जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, मुझे कबूल है, निकाह हो गया। अरे भाई ऐसे निकाह पे सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की क्या निकाह शादी ना दे, रुखसती नहीं होगी, दुल्हन चली ससुराल, वक्त आ गया दूल्हा दुल्हन की मुलाकात का। इनको तो पहले मालूम था, जो इंट्रोडक्शन करवाया गया था यही दिमाग में था, लेकिन जो ही गए कमरा में घर में, अरे वाह सलाम सलाम सलाम। अभी जब करीब गए तो क्या देखा, हुस्न की मलका, सुभान अल्लाह, हुस्न की पैका कर हाथ सलाम। सुभान अल्लाह। उनका पहले क्या कहता, क्या क्या नजर आ रहा है, हाथ सलामत, सुभान अल्लाह, पांव सलामत, सुभान अल्लाह, सलामत, सुभान अल्लाह, ज़बान सलामत, सुभान अल्लाह। इनकी रात की नींद नहीं रही सलामत, बेचारी चल। अरे इनके अब्बा ने कहा था कुछ, यहाँ पे नजर आया कुछ, बेचारी चल। रात इसी तरह अपने परेशान शान काट गया, सुबह हुई अव्वल वक्त आए अपने ससुर मोहतरम के पास, कहा कि हाँ बोली खैरियत है, चेहरा तो आता उछाल कर, कहा हुजूर मैंने तो जाना था आप अल्लाह वाले हैं, और आपने क्या क्या कहा, हुआ क्या बताओ तो सही है, बहुत कुछ नहीं थे। कहा हुजूर आपने अपनी बेटी के बारे में, दोस्तर नेक अफसर के बारे में बताया, ऐसी है वैसी है, तो कहा क्या हुआ, कहा हुजूर आपने जैसे बताया था दूर तक उसकी महक भी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब काजी हुजूर सब सलामत है। उनके अब्बा कहते हैं शहजादे का दुल्हन के, सुन लो जो तुमने देखा वो भी सही, जो मैंने कहा वो भी सही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों सही कैसे होगा, फरमाते होगा तुमने जो देखा देखा, मैंने हजरात तक सुनिएगा ये सब तोहफे लेके दिया जाए अपने बच्चों को सुना सुना। फरमाते हैं कि मैंने कहा था मेरी बेटी होगी ऐसी, इसलिए आज तक मेरी बेटी की जबान से खिलाफ शरा कोई इंकलाब न हुआ, मेरी बेटी के हाथ से कोई खिलाफ शरा कोई काम न हुआ, मेरी बेटी का पाँव शरीयत की हद से कभी बाहर न गया, यानी मेरी बेटी सच्चदा फातिमा ज़हरा की मुकम्मल कनीज बनती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अब सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह के डर का पावर क्या होता
बरकत का होती है, बरकत सामने आ रही है लेकिन फ्री में मैं नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होने को खत्म कर दो नहीं हो गया, एक बज गया खत्म कर दो नहीं। अरे लोग तो ऐसे ऐसे रहते हैं, इमाम साहब अगर लंबी तिरक करते हैं, एक रोज चुप रहा, दो रोज चुप रहा, तीसरे दिन कहीं ना कहीं सिक्का देता, नमाज नबी कह रहा है छोटी सूरत। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि टाइम हो गया खत्म कर दूं या और सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने भी सारी मोहब्बत किया है सबको गौसे पाक का सदका अता फरमा, आमीन। कि जिनका बाप ऐसा तकवा वाला हो, जब शावर ऐसा तकवा शार हो और जब बीवी ऐसी खुदा रसीदा हो, सुन्नते फातिमा ज़हरा के सांचे में ढली हो, जब माँ ऐसी हो बाप ऐसा हो, तो सोचो इनके बदन से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहजादे का आलम का कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं बहुत धीमी गति में बोल रहा हूँ, जरा चिल्ला भी दे रहा हूँ, चिल्ला इसलिए मजबूरी में चिल्ला रहा हूँ, लोगों का मिजाज खराब हो गया है, धीमी गति में बोलेगा बोलेगा मॉड्यूल ठीक नहीं यहाँ। जितने लोग बैठे हैं, किसी का खानदान शेख का होगा, किसी की बिरादरी अंसारी, कोई खान कोई पठान कोई अंसारी कोई राई कोई शाह, मुख्तलिफ कबीले के लोग होंगे। कभी भी किसी को ताना मत दीजिए, दीजिए ये फला है फला नहीं। बिरादरी जो भी है सब तो सुनी है ना, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खान पठान शाह अपने कबीले में मत इतराओ, सारे कबीले एक तरफ, नबी का खानदान एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानदान से बड़ा किसी का खानदान, नबी के खानदान के जैसा किसी का खानदान। मेरे गौसे पाक का खानदान क्या है, उनका कबीला क्या है, उनकी बिरादरी क्या है, मैं फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक सैयद है सुभान अल्लाह, सैयद मुंह खोल कर क्या है सैयद सैयद। अब सैयद के बारे में हम बता दें, सैयद कौन होगा फिरी मैं नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, माँ खैरे सैयद ठीक है, लेकिन बाप सैयद हो। अब माँ खैर सैयद से और वहां बच्चा जो पैदा होगा वो सैयद से, अब बाप खैरे सैयद हो, अब माँ सैयद हो वो सैयद से नहीं होगा। सैयद कौन होगा, या तो इमाम हसन के खानदान से, इमाम हुसैन के बेशक। सैयद हसनी होते हैं हुसैन, जो इमाम हुसैन सरकार के बच्चे से जो नस्ल चली वो हसनी सैयद, जो इमाम हुसैन से हुसैनी, इमाम हुसैन फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, ये सिलसिला चला वो हुसैनी सैयद। ओके दोनों बार कबार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत कोई सिर्फ हसनी सैयद है उनकी शान क्या है, कोई सिर्फ हुसैनी सैयद है उनकी अजमत का क्या पूछना। मेरा गौस सुभान अल्लाह, मैं ना बोलूंगा मेरा गौस सुभान अल्लाह, पीरों का पीर सुभान अल्लाह, पीरों का मीर सुभान अल्लाह, शमशीर सुभान अल्लाह, गरीबों का दस्तगीर
सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो नवाजा है, हसनी भी सैयद है, हुसैनी सैयद है, नजीबुल तरफैन सैयद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप की तरफ से हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी। हजरत यूं कह दो, जहाँ मेरे खौस है वही खुदा का फजल है, और जहाँ खुदा का फजल है वही मेरे खौस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक सैयद, अब किस महीने में पैदा हुए मैं फ्री में नहीं बता सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सात आदमी बोल लेंगे तो मैं बोल दूंगा, सबका दामन मुरादों से भर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोले हैं, मौला उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, आमीन। किडनी की बीमारी से बचा, आमीन। हार्ट प्रॉब्लम से बचा, आमीन। हृदय से बचा, आमीन। सुना कुल्ली से बचा, आमीन। सतरा कुल्ली से बचा, आमीन। तकलीफों से बचा, आमीन। मर जाए तो अजाब कब्र से बचा, आमीन। अगर आवाज में कमी हुई सारी दुआएं वापस। ले लीजिए गौसे पाक की महफिल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार की मजलिस आए हैं, अरे उनकी मजलिस, हां क्या कहने, जब मेरे गौसे पाक तकरीर करते तो इंसान तो इंसान, अरे चालू लोग भी हाजिर आते, मलाइका भी हाजिर आते, अजन्ना भी हाजिर आते, और इल्म का ऐसा दरिया बहाते, अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा भी अपने दस्तार को खत्मे गौसे आजम में रख देते, और ये कह देते इस्लाम बगदाद में पूरे इलाके में अब्दुल कादिर जिलानी के जैसा कोई आलिम पैदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल में कहा चले मेरे भाई, भैया आइएगा हमेशा के लिए, मत जाइएगा, नहीं तो हम पढ़िए जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा हजरत, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई मरेगा तब ये दुआ पढ़ेगा, पर इसी में नहीं समझे। अगर किसी के बारे में कह दीजिए जैसे वो गिरा पड़ा, मौलवी को मसला बता, जब के ये दुआ सिर्फ मौत के वक्त पढ़ने के लिए नहीं है, जब मुसीबत आए इस दुआ को पढ़ो, इसकी बरकत से मुसीबत टल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ दिया, हंस दिया, वाह वाह क्या क्या, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने गौसे पाक सरकार को जो नवाजा, क्या क्या, उसी महीने में उनकी विलादत हुई जो तमाम महीनों में आला आला, रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महीना था रमजान, तारीख में नहीं बता सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली तारीख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, गौसे आजम सरकार की सिर्फ आपने करामत को सुना है कि मुर्गा को जिंदा कर दिया, डूबी बारात को वापस कर दिया, हराम को उड़ा करके दिमाग छोड़ कर ठंडा कर दिया, जिन्नात को भी बुला लिया, सारी करामतों को सुना है, लेकिन उनकी इबादत को नहीं सुना है, उनकी रियासत के बारे में नहीं सुना, उनके किरदार और अमल के बारे में सुना कीजिए। हजरात, हमारे समाज में 20 साल का लड़का, 30 साल का आदमी रमजान आता है तो गैस्ट्रिक की दवा लेके घूमता है, गैस प्रॉब्लम का करके दवा खाता है, रोजा नहीं रखता है। अब मेरा पीर, पीरों का पीर रोशन सभी, मेरे गौसे आजम दस्तगी, ऐसे रोजा रखने वाले हैं, ऐसा लाजवाब रोजा रखने वाला कहीं नजर नहीं आएगा, या तो करबला में नजर आएगा या तो बगदाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा हुए और रोजा रख लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा हुए और आप कहिएगा हजरत, रुको भाई रुको ना, चाय तो सबको पिलाओगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी जरा जरा आप कहिएगा कि उन्होंने रोजा रखा तो लोगों को कैसे मालूम हुआ,
भाई हम लोग रोजा रखते हैं ना, सब डंका भी ना पीट देते हैं, तो बना के रखेंगे या तो विश्वास यहीं पे रखेंगे या तो बार बार पसीना पोंछेंगे, होंठ को सुखा के रखेंगे ताकि लोग समझ जाए रोजा से। और अगर कोई पूछ लिया ना रोजा से, मत पूछो गर्मी बहुत है, गर्मी नहीं है वो दिखा रहा है रोजा से, तब लोग को मालूम होता है कि रोजा से। सरकार का तो बचपना है, सुभान अल्लाह, मुकल्लफ भी नहीं है, इनके रोजा भी नहीं है, लेकिन शरीयत की पाबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान रोजा से मोहब्बत रख लिया। तो लोगों को कैसे मालूम हुआ, लोगों को मालूम कैसे हुआ, मैं फ्री में बताई। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुआ ये रात रात फास्ट हुआ कि रोजा से वो बच्चे के हर चीज की खबर खानदान में किसी को नहीं होती है, सिर्फ माँ को होती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सही बोला कि भाई, बेशक माँ को होती है। बच्चा रोता क्यों है, बाप भी नहीं समझ पाता, चाहे जितने बड़े मौलाना रहते हैं, बच्चा रोता है तो मौलाना भी नहीं समझ पाते मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन माँ समझ जाती है कि पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, गौसे आजम सरकार ने रोजा रखा। किसी को नहीं मालूम, उनकी अम्मा को मालूम। सुभान अल्लाह, मेरा बेटा रोजा से है, उनको भी कैसे मालूम। इस तरह मालूम हुआ कि सूरज जब निकलता था उस वक्त से लेकर के जब तक सूरज डूबे नहीं, गौसे आजम अपनी माँ का दूध नहीं पीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। अब देखिए एक घंटा से ज्यादा हो गया, अब मैं खत्म कर दूं? नहीं, अच्छा बार बार हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ रहे, धमकी मैं दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप ये बीपी को चेक कर रहा हूँ, आप है कहाँ, मजबूर होके सुन रहे हैं, लेकिन ये मना है, हदीस भी मना है कि जब लोग दिल लगा के न सुने तो रसूलुल्लाह का अल्लाह का जिक्र भी नहीं सुनाना चाहना चाहिए। मदीना शरीफ जाइए और सरकार के रोजे के पास आप खड़े दुरूद सलाम सलाम, उल्मा बयान फरमाते हैं, पुख्ता हाथ धोने लगे या तुम्हारा जहन दाएं बाएं करने लगे और वहां से भाग जाओ, वहां पे उतनी ही देर रहो जब तक के तुम्हारा पूरा वजूद यहीं पे हाजिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको उगता हाथ धोते मैं छोड़ दूंगा, मदीना शरीफ तो आप लोग जाते नहीं है, सिर्फ जाते हैं कहां, ढोलक अल्लाह कैसा दे से मदीना शरीफ का शिकार, इंशाल्लाह कैसा है मदीना, कैसा है मदीना, न कोई खतीब बता सकता, न कोई कलमकार भी बता सकता, न कोई मकाल नगार बता सकता, न मदीना जाइएगा देखिएगा तब समझ में आएगा कैसा है मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं कहे उलमाए से इत्राम से पूछे हजरत मदीना 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 कैसा है मदीना, जहाँ पर से पाक भी जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बताइए कैसा है मदीना, ये उलमा कहेंगे कैसा है मदीना, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, या अल्लाह जो पंडाल के पीछे जलसा कर रहे हैं मौला, उनको मच्छर काटे ताकि खुजलाते खुजलाते इधर मुकाम पीछे नहीं, हम लोग आए भाई। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मदीने की बात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन एक भी आदमी सोइएगा नहीं, एक भी आदमी सोइएगा नहीं, इसके लिए जो होगा गंडो बोल बवाल मैं देख लूंगा लेकिन सोने नहीं दूंगा, इसके लिए जो हो जाएगा लाठी चढ़े या फाइटिंग सोने नहीं, आप नाराज होइए तो होइए, सोना है हर जगह, वहां भी सुकून नहीं मिलेगा तो कब्रिस्तान से आ कभी उठाने नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे सोने नहीं मिलेगा, अगर सोइएगा तकरीर बंद और फतवा लगेगा। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा मैं सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा नबी की नात सुन के बोला कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात किसको कहते हैं जिसमें नबी की तारीफ हो। सुभान अल्लाह। तो हम अपने पीर साहब के बारे में पढ़े थे तो आपने बहुत कहा, अब मैं नबी की बात। कैसा है मदीना? सुभान अल्लाह। मदीने की बात होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल तो लोग शादी के बाद भी मदीना शेख ले जाते हैं। अल्लाह नाज़िम साहब शादी से पहले मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी से पहले मदीना शेख गए, अब वहाँ से आए तो इन्होंने लिखा। सुभान अल्लाह। समझ में आया क्या है नाज़िम साहब? इनसे भी पूछे अच्छा ऐसा है मदीना, तो कहेंगे हमसे मत पूछे, जो आप बोलना वही तरह बता दीजिए। जब मदीने की बात होती है सुभान अल्लाह, मस्जिद में कायनात होती सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है मस्जिद में कायनात होती है, लैलतुल कद्र को तो शर्मा रात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मदीने की रात होती है, वो मदीने की रात होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत लोगों से पाक सरकार रमजान में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक सरकार पैदा हुए उस दिन अल्लाह की रहमतें कितनी नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। बगदाद है गिलान है जिलान है जहाँ गौसे पाक पैदा हुए थे वहाँ, और अकराफ अकराफ में जितनी औरतों को बच्चा हुआ अल्लाह ने सबको बेटा ही बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बोला हमको याद नहीं है, कान में कुछ बोले हैं याद नहीं है, अच्छा सवाल है लेकिन रहने देंगे। इतना हेवी शेर भी मेरे पास है, इसको तो सुनिएगा इंशाल्लाह। अभी मैं रखे हुआ हूँ, मैं 1:30 बजे का इंतजार कर रहा हूँ, 1:30 बजे जलसा खसा ठीक है, जो पूजा मन पूजा। सरकार को सुपा के जिंदा का बचपना बना रफी भाई यही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीना शरीफ जाइए रफीक भाई, इंतजाम करिए 1-1 रुपया जमा जमा। कौन कहता है कि पैसा होगा तो मदीना जाएंगे? बड़े बड़े पैसे वाले मर गए मदीना न जा सके। जिसको अल्लाह ने गरीब ही बनाया, नबी से मोहब्बत हो गई, इश्क ने उन्हें बेताब किया, मदीने की हाजिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक का बचपना ला जाओ। सुभान अल्लाह। प्यारी बात याद आ गई है, उलमाए किराम जो है दुआओं से नवाज रहे हैं, तो कितनी प्यारी प्यारी बातें याद आ गई है। मैं एक बात और मैं आपको सुना दूं, लेकिन मैं नहीं सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे बोलते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब मिलेगा मोनी साहब को खुश करने के लिए, बोलिए कुछ नहीं मिलेगा। जब भी अल्लाह का नाम लीजिए अल्लाह की खुशी खुशी। सुभान अल्लाह
हमारे यहाँ किसी की शादी, हमारे यहाँ किसी की शादी, आपके यहाँ मेरे यहाँ शादी के बाद एक साल होगा लड़का बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक घंटे के लिए तो घर में कान में शुरू कान में अब दो साल से अब बच्चा नहीं चाहिए, जरा सा आवाज आवाज निकली बाबा सास सास हम दादी नहीं बनेंगे, ठीक धीमी गति में बोल रही है। तीसरा साल आया बच्चा बच्चा और उसकी बीटी हाई हो जाएगी, चौथा साल आया लगाना, पांचवा साल होगा लोग कहेंगे दूसरी शादी शादी कौन नहीं इतना पे समराज का मुसलमान शादी हुई मशीन अल्लाह की मर्जी बेशक बेशक चार साल बच्चा रहा हंगामा ताना देने लगे लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अखीर उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। सुभान अल्लाह बेशक बेशक उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने गिला नहीं किया। सुभान अल्लाह और करें कैसे वो तो पैगंबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम हाथों से लगा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ आपके यहाँ पांच साल सात साल बच्चे न हो तो लोग उस औरत का जीना हराम कर देते हैं, लोग इतना ताना देते हैं, लोग इतना उसे सुनाते हैं, वो खातून एहसास कमतरी की शिकार हो जाती है और अपने आप को कोसती रहती है मेरा क्या कसूर है और नाम तो अल्लाह देता है लेकिन ये समाने वाले किसी को नहीं पकड़ते हैं। ऐ मेरे दोस्त ऐ मेरे लोगों मोहब्बत करने वालों को से बात कर सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत अबू सालेह मूसा जंग की दोस्त को उम्मुल खैर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो बेटा दिया है पीरों का पीर दिया है मीरों का मीर दिया है मौसुआसन दस्तगीर के जैसा बेटा दिया है। मालूम है उस वक्त उनकी वालिदा मखदूमा की उम्र शरीफ कितनी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इम्तिहान होता रहा आजमाइश होती रही और सब्र करते रहे और नबी के घर वालों ने बता दिया तवक्कुल किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहना किसको कहते हैं, जिसमें खुदा राजी उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये तो अभी यही है। अब जो की ताली अल्लाह अल्लाह हम जानते हैं क्या क्या है मैंने सुने हुए सरकार वसे पाक जानते हैं कितने पढ़े लिखे थे वसे पाक कितने पढ़े लिखे थे बता दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कितने बड़े मौलाना थे बता दूं ठीक ठाक से बड़े था। सुभान अल्लाह हाफिज भी थे सुभान अल्लाह कारी भी थे सुभान अल्लाह यही ना लोग कहते हैं कारी साहब कारी साहब मेरे गौसे पाक कारी सुभान अल्लाह मेरे गौसे पाक हाफिज साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इतने बड़े खतीब सुभान अल्लाह उतना बड़ा मुफ्ती तो उस वक्त पूरे इलाके में था ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्मे तेरा इल्मे तारीख सुभान अल्लाह इल्मे फिका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इतने उलूम पे अल्लाह ताला ने गौसे पाक को महारत दिया सिर्फ मेरे गौसे पाक तकरीर करते तो इल्म का दरिया बहा। सुभान अल्लाह वलमा भी आशिश करते गौसे पाक सरकार को अल्लाह ने सिर्फ साहिबे करामत नहीं बनाया है साहिबे इल्म भी बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह अच्छा लाल सुनेगा गौसे पाक का
नहीं मालूम है उनका जलाल क्या था, फिर मैंने सुभान अल्लाह। एक रोज घर में बैठे हुए थे, अरे चिड़िया चिड़िया बीट कर दिया, उड़ते उड़ते खाना चाहता गया, बस से पास से खाने कुछ नहीं था, लब को तो मिला जाए, सिर्फ नजर उठाया जल के राव, सिर्फ नजर उठी जल के राव, ये उनका जला आज जमाल लिखेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका जमाल ये है कि चोर आए घर में नजर डाल दे तो वली बन जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह ने इतना साई में कमाल बनाया, इतना साई में जमाल बनाया, गौसे पाक जिधर जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्ल को हैरान करने वाली हरकत सुभान अल्लाह। कोई तकरीर सुने तो ताज्जुब करे सुभान अल्लाह, देखे तो ताज्जुब करे सुभान अल्लाह। लास्ट में इसी नतीजे पे पहुंचाए ओ शाह-ए बगदाद, आप हर एंगल से लाजवाब है सुभान अल्लाह, इल्म लाजवाब, आपका इल्म लाजवाब सुभान अल्लाह, कुल लाजवाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछिए उलमा इकराम से, हुजूर सब गौसे आजम इतने लाजवाब है, मेरा नबी कैसा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारा जो भाई साहब लगाए मोहब्बत में, आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया, चाइना सा ऐसा चाइना सा ऐसा जापान सा है, जहाँ जहाँ नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं हम उनके भाई, हमारा भाई सुभान अल्लाह बेशक। सुनिए सरकार को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग आज ग्यारहवीं शरीफ से तो किए होंगे, अल्लाह ने दिया होगा, तो कल आप लोग एक मुर्गा लाइए, मुर्गा खरीद उसको बिस्मिल्लाह करके सबक सबक खूब अच्छे से उसको साफ सुथरा करके पकाए, पकाए गरम मसाला ठंडा मसाला दालचीनी जरूर डालिएगा, डाल करके और उसके बाद पकाइए, पकाने के बाद उस पर खाने खिलाई और खाने लगे कुछ खाने का ढंग मालूम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीचर हड्डी दांत रहे ना रहे उसको तोड़ेगा, जबकि गोश्त खाने का सही तरीका ये है कि हड्डी में भी गोश्त है तो गोश्त छोड़ा के तुम खाओ, हड्डियों को मत तोड़ो, हड्डियों को छोड़ दो, जहाँ फेंकना फेंक दो, अल्लाह ताला फिर पे गोश्त चढ़ा देगा और वो हड्डी जिन्नात की गिज़ा बन जाएगा, मुसलमान जिन्नात का ही खाना खा जाता है, हड्डी को तोड़ना बना अब लोग सुरमा बना देना सिर्फ गोश्त खा हड्डी जिन्नात का। सरकार को सिपाही ने क्या किया नहीं ना किया था, सुने होंगे गोश्त खा लिया पर हड्डियों को जमा जमा हड्डियां जमा थी ना इस्लामी तरीका, तो आप लोग का लेकर गोश्त छोड़ा छोड़ा खा लीजिएगा, हड्डियों को जमा जमा और उसके बाद वजू कीजिएगा और उसके बाद कहिएगा लाल मुर्गा जिंदा हो जा, तुझे अब नहीं कत्ल करने लगा, मैं तुझे नहीं तेरे गर्दन पर छुरी चला सका, ये मुर्गा तू जिंदा हो जा, आपके हवाले नहीं करूँगा, ए मेरा तू जिंदा होगा, वजू कर वजू कर ले जिंदा होगा, ये जिंदगी की भीख मांगने वाले मुर्गा हो जाएंगे, मुर्गा जिंदा जितना कपड़ा पहन ले जुब्बा पहन ले माँ बाप पहन ले मुर्गा नीला मुर्गा नीला होगा चाहे कोई भी निवासी वासी हजरत हम पूरे कुंभ कबीला के साथ मुर्गा
کی مدد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ ہم لوڑ پر لوڑ غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے وہ مقام دیا غوث اعظم سرکار کو. آپ سن لیجیے یہ جلسہ ہو رہا ہے غوث سے پاس دیکھ رہے ہیں لوگ میرا منہ دیکھ رہے کہ مولوی پاگل ہو گیا کیا کہاں بغداد کہاں دلی اب کیسے دیکھیں گے وہ بھی قبر میں ہے. دماغ میں ٹھیک ہے بتا دیں کہ 2024 میں بتاؤں گا بتا دیجیے ابھی بتا دو. سبحان اللہ آسان سال لے جا دیتا آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ روح کے اندر ہوتا ہے. روح اس کے اندر نہیں دیکھتے ہیں چوٹی کاٹی ساس ہوگا روح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے سو گئے ہم آپ سو گئے ساس چلتی رہتی ہے لیکن روح آپ کے جسم میں حضرت اور سبحان اللہ سبحان اللہ. مردہ کی طرح پڑے پڑے خواب دیکھ رہے کعبے کا تمام تمام. کوئی آیا کوئی بچہ اچھا بولا ابا ابا دو ہی مرتبہ بولا بولا اٹھ گئے. ابھی جے مکہ سبحان اللہ ابھی جے مدینہ سبحان اللہ آ گئے یہاں. یہ کیا ہے یہ روح کی طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روح کی طاقت ہے. سیکنڈ نہ لگے مکہ سے یہاں جب ہم لوگوں کے روح کی طاقت کا یہ عالم ہے بڑے پیر کی روح کا طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جماعۃ تخلقت لنا حکم التصاص. اللہ نے ہم کو خوب پاگل کیا ہے کہ فرماتے اللہ کی عطا سے ہاتھ کی ہتھیلی کے رائے کا دانا ہو جیسے میں سو دیکھتا ہوں پورے پورے زمین سے دیکھتا ہوں. اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے یہاں تک بکلا یہ مان کیا ایسا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اللہ چاہے تو مردے کو زندگی دے. سبحان اللہ بے شک. اللہ چاہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو برسوں کے بعد خواب سے بیدار. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. اللہ چاہے تو اصحاب کہف کو برسوں کے بعد پھر بیدار کر دے. سبحان اللہ. تو جب یہ ہو سکتا ہے تو وہی اللہ چاہے تو غوث اعظم کے وسیلے سے 12 سال کی ڈوبی بارات کو پھر زندہ واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو بہت پاور دیا ہے تو مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں سمجھ گئے. اور کیا کرتے ہیں اپنے مریدوں پہ بہت مہربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدوں پہ تو اتنے مہربان اتنے مہربان اتنے مہربان ایسا بھی ملے گا. فرماتے ہیں میرا مرید کمزور ہے تو کیا ہوا مضبوط ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرا مرید کمزور ہے تو کیا ہوا اپنے مریدوں پہ. جناب رفیق صاحب یا جتنے صاحبان قدردار مہربان جب سے آئے ہیں وہ لوگ قسمت میں ناز کرتے ہیں غوث پاک کی محبت. سبحان اللہ بے شک. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سن لو مریں گے سب لیکن جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ مرے گا لیکن بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک
سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے ایسے پیر پہ سبحان اللہ. جب ہی تو ہم لوگ کو دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں مانے, دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں مانے, اپنے باپ سے دعا لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, اللہ سے کیسے مانگے. بہت بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ بہت تکلیف ہو گئی ہے, جو ٹو ویلر گاڑی ہو جائے, فور ویلر ہو جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ڈیڑھ بجے رات میں محبت سے بولو سبحان اللہ, سب ڈپلیکیٹ بھاگ گئے, اوریجنل شامل موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت جن پہ علم ناز کرتا ہے, جن پہ عشق ناز کرتا ہے, جن پہ فتوا ناز کرتا ہے, جن پہ تقوا ناز کرتا ہے, جن پہ ان کے پیر ناز کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, برکت نے جب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تو کیا دعا کیا ہے, قربان چاہیے احساس کرتے ہیں قادری در قادری رنگ قادریوں نے اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, زندہ باد سیرت غوث اعظم کانفرنس, علماء اہل سنت, زندہ باد نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. علامہ ناظر صاحب کا سیرت غوث اعظم کچھ ہلکیاں سن لیجئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے غرور نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ گھمنڈ نہیں کیا. سبحان اللہ جانتے ہیں بڑوں کا احترام کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, غریبوں کا خیال ہے, سبحان اللہ یتیموں کے سر سے دست شفقت, سبحان اللہ جھوٹ نہیں بولے, سبحان اللہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں, سبحان اللہ سراپا سنت نبویہ کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزارا, یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر اور ان کا اگر دیکھنا ہو تو غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے ہوتے ہیں, غوث اعظم سرکار اپنے نانا کے نقش قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غوث پاک نے اتنے بڑے ولی ہو کے کسی کا سر نہ دکھایا, کسی کو تکلیف نہ دیا, اپنے آپ کو کچھ ان کے ساری کا ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ کہیں چلے جائیں اور بجوا آئے لار ہاتھ لے آ جائے نفس نوسا نارا لو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. حضرات غوث اعظم سرکار کی سیرت کیا ہے, وہ تو سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ کچھ نہیں بولیے گا, سمجھ گئے, بہت کچھ کچھ کر کے یہاں تک آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا صدقہ تھا. سبحان اللہ. پیٹ جو ہے پورا دل بھی بیچ کے کھا جائے بیچ کے کھا ہی رہے ہو, سنا ہوتا ٹرین بھی بیچ دیا, ایل آئی سی بھی بیچ دیا, ہوائی اڈا بھی بیچ دیا, اب کیا کیا لکھے گا, کار بھی نہیں لی, آپ کی نکلا سب بیچ دیا. ہم لوگ کا بھی اتر چھوٹا ہے کیا, اپنی مشین کھا جائے گا پتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آل بال کھاتے ہیں تو ایک گھنٹہ بھی وضو ٹھیک سے نہیں رہ پاتا, ایک گھنٹہ وضو سلامت نہیں رہتا, ادھر کھایا آدھا گھنٹہ ہوا وضو ختم, بس بیماری. کہہ دیجیے ان لوگوں سے تیرا وضو دو گھنٹے سے تین گھنٹے وضو کرے تو
की नमाज वजू कायम रहता है। सुभान अल्लाह चालीस साल तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग क्या जानेगा क्या है वैसे आजम रियाजा किसको कहते हैं। कोई बड़े पीर सरकार से महान चार मिनट सुना के तू पूजा बन गया। गाना नहीं है इसका मानव तू कहां मैं कहां इसका मानव सुनिए चार मिनट। इसलिए इतना अच्छा माहौल है कि यही वक्त आ गया है अब ये मसला सुना दो। स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं दुआओं से नवाज रहे हैं आप लोग भी दुआ कीजिएगा खुश होइएगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है हम गुनहगार से नाकारा से बेगड़ा निगड़ा से लेकिन खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम तसल्ली दी गुलामों को कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। गौसे आजम हम जो इतना बोल्ड है समझ गए चवालीस साल का सीना है क्या हार्ट इतना सा होगा फेफड़ा इतना सा होगा और आवाज कितनी है ये सब क्या है गौसे पाक का करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मजमा होता है गरम बिल्कुल हमारी और आपकी हैसियत क्या है चार चार सुना दे रहा हूँ या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह कहने की नीयत रखते रहे उनका कर्ज अदा करना। सुभान अल्लाह आमीन आमीन नमाज से मोहब्बत दे आमीन मोहब्बत आमीन। और या अल्लाह से पास आज के वसीले से फिलिस्तीन के तमाम मुसलमानों को ताकत सुभान आमीन आमीन। जितने इस्लाम से दुश्मन है मौला सबको काफिर की दात दे आमीन। ठीक है अब चार विषय बहुत अच्छा विषय है इसको मैं बचा के रखता हूँ कहिए तो छोड़ दे रहा हूँ। उनका साली नहीं कोई तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका यही होता है मुकर्रर के साथ क्या होता है जो लोग शायर होता है उसका साथ क्या होता है मुकर्रर सा जो है खून पसीना सब निकाल देता है तो भी कुछ नहीं होता शायर साहब आया अभी मतलब कुछ नहीं सी माइक पे आके जाएगा बस इतना मुकर्रर कितना चिंता लेता इतना अच्छा मुसलमान पढ़ के गया उनका साली नहीं कोई तो फिर सुभान अल्लाह होगा सामी नहीं कोई तो फिर जैसा गुलाब क्या हो गौसे आजम का जब जवाब नहीं गौसे आजम का जब जवाब नहीं गौसे आजम का जब जवाब नहीं सुभान अल्लाह अल्लाह इशारा फरमाता है कुरान पाक में या अय्युहल लज़ीन आमनू अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आ जाओ यानी झूठा से बचो बेनमाज़ी से बचो गुनाह से बचो जितना और कम वाले हैं सबसे बच के रहो तो अल्लाह वाला है जो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा है उनके साथ हो जाओ उनसे मोहब्बत दीदार हो न हो मोहब्बत मुलाकात हो या न हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके लिए दीदार जरूरी नहीं सुभान अल्लाह मोहब्बत के लिए दीदार जरूरी नहीं देख के मोहब्बत करना हम का काम है
मुस्तफा वालों का कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सच्चों के साथ हो जाइए, झूठे से, बेनमाजी से, इधर से उधर से, मतदीनों से, सुलह 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 पूरी समझ है। अरे बाप मैं चौपट, उसके तहत आप लोग बचिए। क्या कहना चाहते हैं, ये भी ठीक, वो भी ठीक, रात भी ठीक, दिन भी ठीक, नहीं समझे? नमाजी भी ठीक, ये नमाजी भी ठीक, नहीं समझे? जो ऐसे करके नमाज पढ़े वो भी ठीक, जो ऐसे करके नमाज पढ़े वो भी ठीक, जो ऐसे करके नमाज पढ़े वो भी ठीक, उसके सब ठीक। मतलब यही बेटा सब सारा सारा सुन कुल सब ठीक है। अरे बेवकूफ, ऐसा थोड़े होगा। नबी का फरमान फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 73 फीसद होंगे। कितने? 73। सरकार ने बताया 72 जहन्नम में, 72 एक जन्नत। ये हदीस सबको मालूम है ना बेटा, समझता समझता नहीं। जब नबी ने फरमा दिया 72 जहन्नम एक जन्नत, तो सब सही कैसे होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही कैसे होगा? 72 रॉन्ग है ना। आई कहता सब सही, इसी को कहते हैं सुलह कुल्ली। अब इसको कहते हैं 17 कुल्ली, इसके मुंह पे करो कुल्ली। कह दो जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कह दो 16-17 की बात मत कर, सुभान अल्लाह। खुश नसीबी की दलील है बेशक, आला हज़रत से मोहब्बत करने का मतलब है कभी गुमराह नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। सुनने वाले बता दीजिए, देख और फरमान बोल, ये सब करना है, इलाका खाली कर दे। हमारा एक ही कहना है, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियाँ हो गई हूँ, मेरा किरदार या मैं इस्तेमाल करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। मिन कुल्ली दम्यू बातू 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 बने लाइक फटे, लाइक फटे, माइक फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, सीधा रहे मर जाए जो हो, लेकिन आवाज कोई कम फरमाए। कलेजा खोल के पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। यही कलमा हम लोग को जिंदा रखा है। हम तो कहते हैं पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब के लोग अपने अपने धर्म को छोड़ छोड़ के इस्लाम को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, यहाँ भी कामयाब होगा वहाँ भी। मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने अपने गुफ्तगू का आगाज किस चीज से शुरू किया था, आगाज किया था, कुछ मालूम है? उसकी बरकत लिखी मेरे आला या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुरीद। क्या है ये दुश्मन शरीफ, तुम हो तो भी खौफ क्या, तुम पे करोड़ों लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हिदायत दिया, इधर हो गया, इधर मेरे बॉस पास करम हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।